आप देख रहे हैं एसटीएस न्यूज़। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसटीएस न्यूज़ में। मैं हूं अलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। संगीत जी का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे इनके जन्मदिन पर? देखिए, यूं नहीं था, संगीत विठोबा नायक है, ते अपना विठोबा नायक बिल्ला विठोबा नायक का पुत्र है। आणि बिल्ला सेठ ने अपना भविष्य नंबर वार्ड के लिए बहुत कुछ काम कर रहा है। उसके वजह से उसको पुत्र भी ऐसे ही, उनका पापा का सरीका वैसे ही काम करके आगे बढ़ना चाहिए। अगर उसका पुत्र संगीत सेठ का बिल्ला बेटा बनाए, 25वां जन्मदिन का शुभाकांक्षी है। शुभ संदर्भ में पूरा जो भी अपना वार्ड लोगों के लिए, अपना टीम का जितना ऑफिस का टीम है, सब आपका मीडिया वाला के लिए, सबके लिए जो भी काम पड़ा है, जो भी कार्यक्रम है, कुछ भी उसमें शामिल होकर सबके लिए आगे रहेंगे। आपको जो भी समस्या साल करने के लिए तैयार। युवा नेता संगीत जी का आज जन्मदिन है, क्या कहेंगे सर आज के इस जन्मदिन पर? मैं आज हमारे खास हमारे प्रिय मित्र संगीत विठोबा नायक जी का आज जन्मदिन है, तो मैं हमारी तरफ से, हमारे पूरे ग्रुप की तरफ से और जितने भी हमारे वार्ड के जितने कार्यकर्ता हैं, जिनके जितने भी इनके शुभचिंतक है, उनकी तरफ से संगीत जी को इस जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हैं। और हम चाहेंगे, मनोकामना करते हैं कि जीवन में काफ़ी आगे बढ़े, काफ़ी तरक्की करें, हमारा साथ उनके साथ, हम उनके हमेशा साथ रहेंगे और ये मनोकामना के साथ और उनको फिर से हम एक बार जन्मदिन की हार्दिक बधाई दें। सर, जिस तरह से शहर में भी देख रहे, देश में देख रहे, युवा नेतृत्व बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है, जो युवा नेतृत्व आज दिखने को राजनीति में देखने को मिल रहा है, आपका क्या मानना है इसके ऊपर? इसके ऊपर मेरा यही कहना है कि आज जिस पद पे संगीत जी चल रहे हैं, जैसे हमारे खसम खास विठोबा जी नायक, हमारे मामा जो राजनीति के अंदर एक सक्रिय कार्यभार संभाल रहे हैं, हम चाहते हैं कि संगीत भी इसी तरीके से उसी नक्श कदम पे चल के अपना और समाज का सबका नाम रोशन करे। और हम चाहते हैं कि एक युवा पीढ़ी को एक अच्छा अध्यक्ष, एक अच्छा नेता आगे जाके मिले। आयोजन किया गया है युवा नेता संगीत जी का जो जन्मदिन है, आप सुबह से हम देख रहे हैं कि जो युवा वर्ग है वो सुबह से शुभेच्छा दे रही है, क्या कहना है सर आपके बारे में? सबसे पहले तो मैं संगीत नायक छोटे भाई इनको जन्मदिन की शुभेच्छा देता हूँ, मैं मेरे परिवार की तरफ से, मेरे वार्ड की जनता की तरफ से, कपिल पटेल फाउंडेशन की तरफ से, धर्म राजा ग्रुप की तरफ से, नायक फाउंडेशन की तरफ से। और इनकी जो मनोकामना है, मैं आयु बराल देवी चरणी से प्रार्थना करता हूँ कि इनकी जल्द से जल्द मनोकामना पूरी हो और एक अच्छा नेता, युवा नेता बनकर महानगर पालिका में जाए। थैंक यू। आज का जो जन्मदिन है संगीत जी का, उसके उनके बारे में क्या, और वार्ड में जिस तरह से उनका कार्य देखा जा रहा है उसके बारे में क्या कहना? सबसे पहले तो कपिल पटेल फाउंडेशन, धर्मराजा ग्रुप, नायक फाउंडेशन और महान मंत्रिमंडल की ओर से मेरे छोटे भाई संगीत विठोबा बिल्ला नायक, इनको सबसे पहले जन्मदिन की शुभकामनाएं देता हूँ। और रही बात संगीत जी नायक, जिस तरह से युवा पीढ़ी में अभी उतरे हैं, जो ग्रुप लेके चल रहे हैं, तो मुझे लगता नहीं कि संगीत जी कभी पीछे हटने वाले अभी है। मैं तो बस भगवान चरणी ये प्रार्थना करता हूँ कि संगीत जी नायक इसी तरह से उतरे रहे, बहुत सारे युवाओं को साथ में लेकर, जो है पूरे भुवनेश्वर की जो भी समस्या है, एक युवा नेतृत्व के हिसाब से तो उनको कोई अच्छे पद मिले, उनको बस ये मैं अपेक्षा करता हूँ। नेता संगीत जी का जन्मदिन है, जिस तरह से वार्ड में और भिवंडी में जिससे उनकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही दिन ब दिन, क्या कहेंगे सर? मैं पहला हमारे लड़के को संगीत विठोबा नाइक, जो हमारा लड़का है, उसको मैं बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। चाहे वो जिए हजारों साल के हो, 50,000, ये जो लड़का है सही में विठोबा नाइक, जो उनका समाज सेवक है, वो समाज सेवा करते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे सब कुछ काम संगीत नाइक कर रहा है। और ये फख्र की बात है, ऐसा लड़का भगवान ने अगर उनके झोली में डाला है। सही में आज युवाओं की धड़कन है भिवंडी शहर, इस परिसर, कामतगढ़, ताराली, शिवाजी नगर हो, आशीर्वाद नगर हो, गणेश नगर हो, भाग्य नगर हो, हनुमान नगर हो, यहाँ पे लोग उनको चाहते हैं, क्योंकि उसका स्वभाव शांत है और मिल मिलाव है, सबको साथ में लेके काम करने वाला लड़का है। आज उनका जन्मदिन है, तो मैं उनके जन्मदिन के ऊपर यही कहूँगा कि आपके जो पिताजी की इच्छा मनोकामना है, पहला वो माँ जगदम्बा, वराल देवी और सिद्धि विनायक, ये पूरी करें। और आपका सहयोग तो लगेगा ही लगेगा, क्योंकि आप जब तक पर्दे के पीछे नहीं रहेंगे तब तक
आगे विठोबा नाइक नहीं हो सकते, इसके लिए मैं विठोबा नाइक को बनाने के लिए सिर्फ संगीत को ही नहीं उनके पूरे परिवार को कहता हूँ कि उसके पीछे खड़े रहे। और आने वाले दिनों के अंदर जब भी चुनाव होगा, मैं आज ही आश्वासित करता हूँ कि विठोबा गंगाराम नाइक ये नगर सेवक बन के रहेंगे। ये मैं पूरे लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, एक विनती करता हूँ छोटे भाई के नाते, क्योंकि ऐसा लड़का आपको मिलेगा नहीं और ये पूरे भिवंडी का और इस परिसर का विकास करेगा। इतना मैं बोलते संगीत नाइक को बहुत बहुत इस जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। तेरा तो कुछ एक रुपए का योगदान नहीं था, हमारे लड़के का दो दिन फुल योगदान था। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे एसटीएस न्यूज के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर, जय हिंद।